Hello guys, this is Amitesh Dubey and I'm welcoming you all in our channel Only Civil Service. So guys, आज का जो टॉपिक है वो है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और या कि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ना, आज का यही टॉपिक है और इसी टॉपिक पे आज हम डील करेंगे. सो गाइज, आज का जो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट मैं आप सभी के सामने बताना चाहूँगा कि एनीथिंग दैट मेक्स यू वीक, चाहे वो फिज़िकली हो, चाहे इंटेलेक्चुअल हो या कि स्पिरिचुअल हो, किसी भी तरह से अगर कोई भी है ना आपको क्या कर रहा हो, आपको वीक कर रहा हो, तो आपको क्या करना चाहिए, उस पॉइजन को या उस पर्सन को या उस चीज़ को आपको क्या कर देना चाहिए, रिजेक्ट कर देना चाहिए. तो सबसे पहला काम यही है कि आइडेंटिफाई कीजिए आप कि आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वो क्या कर रही हैं, वीक कर रही है ना. और जब वीक करने की चीज़ें पता चल जाएँ तो उस चीज़ों को क्या कीजिए, आप रिजेक्ट कीजिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में. आप देखें इस चीज़ को, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें. ये बहुत अच्छा कोट है स्वामी विवेकानंद जी का, है ना. सो टॉपिक पे मूव करते हैं. मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है आज का टॉपिक है उसके बारे में होल सोल डिस्कस करेंगे. ये जो है हमारा फिफ्थ टॉपिक है जो आप कह सकते हो, है ना. तो फिफ्थ टॉपिक है. अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो पहले आप पुराने वीडियोस को देखो, तब जाके ये वीडियो पे आना आप. इस पे सारे फैक्ट्स कवर हैं ऑलमोस्ट, आपको कहीं भी दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सारे फैक्ट्स मैंने कवर किए हैं इस PPT में. और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पहले जितने भी टॉपिक हैं उनके नोट्स बनाइए और इसके भी नोट्स आप ज़रूर बनाइए. एक पेन और एक नोटबुक अपने साथ रखिए, तो उसमें शॉर्ट शॉर्ट आप नोट्स बनाते जाओगे. सो आपके लिए बाद में रिविज़न पर्पज़ के लिए बेनिफिशियल रहेगा. ऑलराइट, सो जो पहला पॉइंट है कि पहला व्यक्ति या जो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने डिमांड किया किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, वो थे M.N. रॉय जी, है ना. 1934 में इन्होंने पहली बार, एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने डिमांड किया किस चीज़ के लिए, कि एक कॉन्स्टिट्यूशन अपने देश का होना चाहिए, है ना. पहली बार, फर्स्ट टाइम जो कांग्रेस है उसने डिमांड की 1935 में ऑफिशियली कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए. तो 1934 में कौन था, M.N. रॉय जी थे. ये फैक्ट प्रिलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर नोट डाउन कीजिए और लर्न कर दीजिए. फर्स्ट टाइम कांग्रेस का जो डिमांड थी वो 1935 थी. ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूशन ये आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए बोला था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मस्ट फॉर्म्ड विदाउट द आउटसाइड इंटरफेरेंस, है ना. तो उन्होंने कहा था कि बाहरी जो हमारा इंटरफेरेंस है, बाहरी का सिंपल सा मतलब है कि ब्रिटिश सरकार, तो ब्रिटिश सरकार के इंटरफेरेंस के मतलब बाहर, मतलब इंटरफेयर ना करे ब्रिटिश सरकार, उसके बाहर हमारा ही कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगी. अब मैं बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बार बार आ रहा है, उसका डिफरेंस क्या है. सो मैं आपको बता दूं कि सिंपल सा डिफरेंस जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन में. तो मैंने आपको फर्स्ट, बहुत ही पहला जो मेरा लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक किताब है जिसमें सारी चीज़ों का वर्णन है कि हमारा देश कैसा चलेगा, हमारे देश में किस तरह की डेमोक्रेसी होगी, कि रिपब्लिक होगा, कौन से फॉर्म की गवर्नमेंट होगी, कौन प्रेसिडेंशियल होगा या कि क्या बोलते हैं आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, है ना. कौन हेड होगा, नॉमिनल हेड कौन होगा, डी यूरे या डिफैक्टो हेड में से कौन होगा, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, ये सारी चीज़ों का वर्णन आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है. तो आप एक तरह से रूल, एक रूल बुक की तरह से आप कॉन्स्टिट्यूशन को देख सकते हो, जिसके जो कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स लिखे हुए हैं वो क्या है, सुप्रीम है. सारे लॉज छोटे पड़ जाएंगे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ हैं वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम है. और लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक बॉडी है या कि कुछ लोगों का ग्रुप है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन, इस कॉन्स्टिट्यूशन को, जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया था, बनाया था, है ना. ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने ही कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था मिलके, ये ग्रुप ऑफ पर्सन के को ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं ना, आगे चल के हम देखेंगे. और उन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि बाहर का इंटरफेरेंस तो नहीं होना चाहिए, ऊपर से जो जो मेंबर सेलेक्ट होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू करेंगे. मतलब कहना चाहिए कि ये जो है नॉमिनेटेड, मतलब एक तरह से इलेक्टेड बंदे होंगे, एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब, है ना, इलेक्टेड बंदे होंगे और सारी लोगों का रिप्रेजेंटेशन होगा यहाँ पे. ये है फर्स्ट टाइम 1940 एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन बाय अगस्ट ऑफर ड्यू टू
वर्ल्ड वॉर टू। अब देखिए सिंपल सी बात है कि अब कंटिन्यूस जो है इंडिया में इसकी डिमांड जो है डे टू डे लाइफ में बढ़ रही है, किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी तभी तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, तो इसकी डिमांड बढ़ रही है। तो जो ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड को एक्सेप्ट करते हैं वो पहली बार 1940 में पहली बार एक ऑफ़र देते हैं इंडियंस को ब्रिटिश सरकार कि देखिए एक अगस्त ऑफ़र नाम का हम एक आपके लिए एक ऑफ़र लाते हैं। और उस समय पर क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था, तो जो ब्रिटिश सरकार थी उसका पूरा जो फोकस था वो वर्ल्ड वॉर में था, ठीक है। वर्ल्ड वॉर की वजह से जो यहाँ इंडियंस की जो स्थिति है, इंडिया में जो ऑक्यूपेंसी है इनकी ब्रिटिश सरकार की, वो थोड़ा सा वीकन पड़ रही थी, थोड़ा सा क्या हो गई थी, उतना स्ट्रांग होल्ड नहीं था। और ऑब्वियस सी बात है पॉलिटिकल अवेकनिंग की वजह से भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। तो इस वजह से वर्ल्ड वॉर टू टाइम पे इन्होंने एक तरह से ऑफ़र दिया कि आप को कुछ चीज़ें हम दे रहे हैं और इसकी वजह से आप क्या कीजिए, आप एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ये जो है पूरी तरह से रिजेक्ट हो गया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया अगस्त ऑफर को। ऑल राइट, आगे जो सेकेंड अटेम्प्ट था जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, वो 1942 में क्रिप्स मिशन के थ्रू लाया गया था। इस ऑफर को भी रिजेक्ट कर दिया गया, ये भी वर्ल्ड वॉर, इसमें कहा गया कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद हम जो है आपको पूरी तरह से फ्रीडम दे देंगे और आप कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो, है ना। तो भारतीयों ने कहा कि नहीं, वर्ल्ड वॉर टू के बाद नहीं, वर्ल्ड वॉर के पहले ही हमको चाहिए, क्योंकि अगर वर्ल्ड वॉर टू के बाद अगर हमने वर्ल्ड वॉर टू में तुमको सपोर्ट कर दिया और अगर तुमने क्या किया कि बाद में मुकर गए, बोले कि नहीं करना है, फिर से रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, तो इसलिए उन्होंने बोला कि वर्ल्ड वॉर टू के पहले ही हमको चाहिए। तो क्रिप्स मिशन भी पूरी तरह से कैंसल आउट हो गया। सिक्स पॉइंट देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और है कि महात्मा गांधी जब इन्होंने कहा ना कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद हम जो है आपका देश को आज़ाद कर देंगे और आप कॉन्स्टिट्यूशन अपना खुद का बना लेना, तो गांधी जी ने एक फेमस कोट कहा था कि महात्मा गांधी, एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, पोस्ट डेटेड चेक ऑफ फॉलिंग बैंक। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी बंद होने वाले बैंक का एक ये चेक है, इस तरह से उन्होंने एक कोट किया कि ये जो इनका कहना है, ब्रिटिशर्स का कहना है, तो ये पूरी तरह से पोस्ट डेटेड चेक है ना, और किसका है, फॉलिंग बैंक का है। फाइनली सिक्स्थ पॉइंट में हम आते हैं। फाइनली 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया। कैबिनेट मिशन प्लान ही एक ऐसा प्लान था जिसके द्वारा क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का प्रस्ताव एक्सेप्ट किया गया। तो पूछ सकता है आपसे कि पहला ऐसा कौन से मिशन के थ्रू हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। देखिए एक सीरीज वाइज ये चलेगा, है ना, उसको मैं आगे आपको बताता हूँ। तो फाइनली ऑन 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया जिसमें द डिमांड वॉज एक्सेप्टेड ओनली वन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन कहा गया कि जो कैबिनेट मिशन थी उसने कहा कि सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। उस समय पर यह कॉन्सेप्ट नहीं था कि पाकिस्तान के लिए अलग बनेगा और इंडिया के अलग बनेगा, क्योंकि पहले ऐसा कोई दो कंट्री थी ही नहीं, सिर्फ एक कंट्री थी। इस जो डिमांड है, ये डिमांड है, इसको पूरी तरह से मुस्लिम लीग के द्वारा रिफ्यूज कर दिया गया था ना, क्योंकि मुस्लिम लीग ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आने से पूरी तरह से मना कर दिया गया। अब मैं कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में आपको बताना चाहूँगा। राइट, सबसे पहले चीज़, छोटी सी चीज़ आप देख लीजिए यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूएंट पहले आया कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन के थ्रू क्या बना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू ही क्या बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो ये चीज़ को आप ध्यान से याद रखिएगा कि कैबिनेट मिशन के थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है। अब देखते हैं हम 389 जो टोटल सीट्स थी उनमें से 296 ब्रिटिश इंडिया की थी और 93 जो है प्रिंसली स्टेट की थी। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये होता है कि 389 जो सीट टोटल हैं उनमें से 296 ब्रिटिश इंडिया वो है जहाँ इलेक्शन होता है, बट इनडायरेक्ट वे में इलेक्टेड बंदे 296 ऐसे बंदे थे जो इलेक्टेड या इलेक्ट होके आए थे बट इनडायरेक्ट वे में, है ना, वो आप और फिर है 93 प्रिंसली स्टेट। तो जो प्रिंसली स्टेट थे, जैसे महाराजा राजाओं के रिप्रेजेंटेटिव आए थे यहाँ पे, है ना, तो उनको राजा ने डायरेक्ट नॉमिनेट कर दिया था, तो कोई इलेक्शन नहीं हुआ था। ऑलराइट, अब देखिए जो सीट्स हैं, सीट्स वर अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, तो ऐसा नहीं था कि एक राज्य है तो एक राज्य से एक ही बंदा आएगा, नहीं,
एक राज्य से अगर मान के चलते हैं बहुत बड़ा राज्य है, फॉर एग्जांपल जैसे उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा सीट्स हमने दी हुई हैं, है ना, महाराष्ट्र में उससे थोड़ी सी कम है, है ना, मान तमिलनाडु में उससे कम, मतलब इस तरह से एक प्रोपोर्शन के हिसाब से दिया गया था। ऑलराइट, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे पॉपुलेशन थी उसके हिसाब से सीट का एक एलोकेशन कर दिया गया था। छोटी सीट, छोटे राज्य हैं तो उसमें एक सीट दे दी गई, और जो बड़े राज्य थे उनमें 5 से 6 सीट्स, मतलब 5 से 6 रिप्रेजेंटेटिव भेजे गए। ऑलराइट, 1946 में इलेक्शन जो होता है, और इलेक्शन किस लिए इलेक्शन होता है, इन 389 सीट्स के लिए, कि मतलब कौन कौन आएगा, तो उसके लिए एक छोटा सा इलेक्शन करवा देते हैं ना, जिनमें से मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्शन है ना, सॉरी कहाँ पे थे हम, हाँ इलेक्शन हैपेंस 1946 में, एक इलेक्शन होता है। इलेक्शन में क्या होता है कि कांग्रेस की 208, है ना, 208 सीट्स आती हैं, जो मुस्लिम लीग है उसकी आती हैं 73, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 15 रहते हैं। इसमें क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि मेजोरिटी जिसकी होती है कांग्रेस की होती है। इस तरह से मतलब कह सकते हो आप कि पूरा तरह से कॉन्स्टिट्यूशन किसके बायस्ड होगा, कांग्रेस के बायस्ड होगा, क्योंकि अगर कोई भी वोट पड़ेगा या कि कोई भी मान लीजिए बनाने के लिए प्रोविज़न को ऐड करना होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, और अगर उसके लिए वोटिंग होगी तो वोटिंग के थ्रू सीधे सीधे कांग्रेस जीत जाएगी, है ना। इन इंडिपेंडेंट और जो मुस्लिम लीग है इनका दोनों की उतनी नहीं चल पाएगी, ये देखते हुए जो है मुस्लिम लीग पूरी तरह से रिजेक्ट करती है, बाइकॉट कर देती है, और प्रिंसली स्टेट्स भी बाइकॉट कर देते हैं। ये आप देख सकते हो इस इमेज में, देखो आप तो, ये टोटल मेंबर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए थे, है ना, इनकी फ़ोटो खींची गई थी, आप देख सकते हो ना। तो ये जो है, तो प्रिंसली स्टेट ने रिजेक्ट कर दिया कि हम जो है नहीं आएंगे, है ना। जो पहली मीटिंग हुई थी उनको यही लगा कि अगर हम गए तो हमारी जो राजा हैं, हमारी जो मतलब पहले हमारी चलती थी, जनता हमारी बात मानती थी, अब जब सरकार बन जाएगी तो हमें पूरी तरह से रिजेक्शन मिल जाएगा, है ना, महाराजा राजा कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, हम सिर्फ नाम मात्र के राजा महाराजा रह जाएंगे। 10th पॉइंट में है, जो इसकी पहली मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो 9 दिसंबर 1946 को होती है ना, 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग होती है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर दीजिए। 211 लोग अटेंड करते हैं, मुस्लिम लीग पूरी तरह से बाइकॉट कर देती है, मुस्लिम लीग और कौन बाइकॉट करता है, प्रिंसली स्टेट, ये दोनों बाइकॉट कर देते हैं। ऑलराइट, और सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस अटेंड करती है, हो सकता है इंडिपेंडेंट मेंबर्स कुछ आ जाते होंगे। अब आगे हम बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ेंगे, अब देखिए कोई भी अगर मीटिंग स्टार्ट होती है तो उसके लिए एक चेयरपर्सन बनाई जाते हैं, जो कि उस मीटिंग को रेगुलेट करते हैं, बताते हैं कि कब और क्या चलना चाहिए। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने बंदे सिलेक्ट हुए थे उनमें से जब सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तो इनको एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया गया, कि एक आपको अभी बना दिया जाता है टेम्परेरी प्रेसिडेंट। तो ये टेम्परेरी प्रेसिडेंट का क्या काम होगा, कि ये जो है तो जो नए बंदे आएंगे, और या कि मतलब जो जब तक नया मतलब परमानेंट प्रेसिडेंट नहीं बन जाता, तो ये टेम्परेरी प्रेसिडेंट क्या करेंगे कि रेगुलेट करेंगे पूरे प्रोविजंस को, रेगुलेट करेंगे पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रेगुलेट करेंगे, और जो नया परमानेंट प्रेसिडेंट होगा उसका भी इलेक्शन यही करवाएंगे। ऑलराइट, सेकेंड मीटिंग होती है, सेकेंड मीटिंग में क्या होता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, रेगुलर प्रेसिडेंट, कि मतलब अब आप रेगुलर हो गए। ये सेम जैसे ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट है टेम्परेरी प्रेसिडेंट, ये सेम उसी तरह जैसे प्रोटेम स्पीकर का बना दिया जाता है, जो सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं, और फिर वो जो है चेयरमैन को चूज़ करते हैं ना, इलेक्शन में चूज़ करते हैं। तो उसी तरह से ये भी थे। अब राजेंद्र प्रसाद, अब प्रोटेम स्पीकर के बारे में मैं जब आपको यूनियन पढ़ाऊंगा, जब आगे के चैप्टर्स में डील करेंगे, हम ये सारी चीज़ें डील करेंगे, कुछ भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा। आप चैनल से बस जुड़े रहिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। एससी मुखर्जी जो थे वो वाइस प्रेसिडेंट थे, बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और बी एन राव साहब इनको क्या बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र बना दिया गया, है ना, कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविज़न होंगे। ऑल दो मैं बता दूं कि ये लगभग जितने लोग थे ना कांग्रेस के, सारे वकील थे, सारे लॉयर्स थे, है ना, और आज की डेट में भी आपको पता होगा कि लॉयर्स जो है काफ़ी पढ़ा लिखा आदमी होता है ना,
पढ़ा लिखा इन द सेंस कि इसको कानून की समझ होती है, इसको पता होता है कि कौन सी चीज़ें कैसे चलानी है ना, तो इनको। और ये जो थे पॉश लोग थे, ऑब्वियसली बात है पूरे उस टाइम के, राजेंद्र प्रसाद जी भी शायद वकील ही थे, एस सी मुखर्जी भी वकील थे, और ये बी एन राव जी भी वकील लॉयर ही थे। तो लगभग पहले उस समय पर लॉयर का बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हो आप इन्फ्लुएंस था, है ना, काफ़ी पढ़े लिखे लोगों में से ये माने जाते थे, है ना। सरदार पटेल जी भी आपके वकील ही थे। तो आगे बढ़ते हैं हम, तो ये सारे वकील थे और बी एन रावली को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र बना दिया गया। अब आगे की बात करते हैं हम, ये देखिए इनकी फ़ोटोज़ दिखा देता हूँ मैं आपको। ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे जो पहले राष्ट्रपति हैं भारत के, है ना, और ये हैं बी एन राव जी जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ फ़ोटोज़ हैं जिनमें जो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसके बारे में दिखाया गया था। तो ये देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस तरह से कानून इस तरह से बैठाया गया था, जैसे आज की पार्लियामेंट है सेम उसी तरह से इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम चल रहा था। ऑलराइट, तो ये नेहरू जी हैं, कुछ बोल रहे हैं, बता रहे हैं, है ना, शायद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जब लेके आए थे तब का है। ये यहाँ पे बैठे हुए हैं सारे मेंबर्स, है ना, तो ये सब चल रही है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की प्रोसीडिंग। आगे बढ़ेंगे जो 13 दिसंबर है ना, 30th दिसंबर 1946, तो यहाँ जवाहरलाल नेहरू जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाते हैं। अब क्वेश्चन आया होगा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक पेपर है, फॉर एग्जांपल इस तरह का एक पीस ऑफ पेपर है, इस पेपर में लिखे होते थे कि मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये किस तरह का होगा, मतलब क्या क्या चीज़ें हम इस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करेंगे, वो सारी प्रोविजंस किस पे लिखे हुए थे, ये एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखे हुए थे। मतलब एक तरह से नेहरू जी का सपना कैसा था, कि सपना था कि मतलब इस तरह से जो हमारे देश का संविधान होना चाहिए, है ना, तो वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में उन्होंने पूरी तरह से पेश किया गया। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ, कि जो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, आज जो इंडिया या कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हम आगे ये चैप्टर जैसे ही ख़त्म होगा तो प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही डील करेंगे, तो जो ये प्रीएम्बल है वो जो इनका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसका रेप्लिका है प्रीएम्बल, है ना। तो प्रीएम्बल जो है वो किसका है, इनके द्वारा, जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था, है ना। ये रेजोल्यूशन जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 22 जैन को 1947 को पास कर दिया गया। ऑलराइट, जो तीसरी मीटिंग होती है उसमें माउंटबेटन प्लान के बारे में डिस्कशन करते हैं अब अपन। उसी टाइम पे माउंटबेटन प्लान होता है ना, जिसके थ्रू क्या किया जाता है कि प्रिंसली स्टेट भी ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स को भी पता चल जाता है कि भाई अब ब्रिटिश सरकार का क्या है, कोई भी काम मतलब अब प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, पूरी तरह से देश आज़ाद होने वाला है, और अब ब्रिटिश, तो इसीलिए प्रिंसली स्टेट भी बोलते हैं कि चलो ना से अच्छा है कि हम भी ज्वाइन कर लेते हैं। और फिर यहाँ पे क्या होता है, प्रिंसली पार्टीशन कर दिया जाता है फाइनली इंडिया का और पाकिस्तान का, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश बताने की जरूरत नहीं है, इस दिन हमारे देश का इंडिपेंडेंस डे है ना, इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑब्वियस सी बात है, जब भाई पहले 389 सीट्स थी, तो जब पाकिस्तान अलग हो गया तो ये जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे, जो 90 मेंबर्स थे, वो कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए ना। और इंडिया में अब कितने बचे, तो इंडिया में बचे 299 मेंबर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सिर्फ दो काम दिए गए, क्या क्या दो काम थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट काम थे। तो दो काम क्या थे, कि पहला काम था जो इंपॉर्टेंट काम था वो था कि तुमको तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, पहली काम जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का है वो है कॉन्स्टिट्यूशन, टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरा क्या काम था, कि लेजिस्लेटिव वर्क भी तुम्ही को करना पड़ेगा, जब तक पार्लियामेंट या कि चुनाव वगैरह फ्रेश इलेक्शन नहीं होते हैं, और जब तक मतलब एक तरह से कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता है, तब तक जो छोटे मोटे कानून हैं, छोटे मोटे लॉज हैं जो कि इमरजेंसी में यूज होने हैं, है ना, तो वो काम भी कौन करेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करेगी, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का भी काम साथ साथ चलता रहेगा। अगर जब कॉन्स्टिट्यूशन में, जब फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता था, तो उसके चेयरपर्सन हुआ करते थे राजेंद्र प्रसाद जी, लेकिन जब कानून बनाने का काम आता था छोटे मोटे लॉज के लिए, तो जीवी मालवंकर जी जो थे तब वो चेयरपर्सन बन जाते थे, ठीक है, ये भी एक फैक्ट है, इसको भी याद रखना है।
आगे हम बढ़ेंगे तो आगे हम बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि दो फीचर जो हैं वो कंटिन्यू रहेंगे। मतलब कौन कौन से दो फीचर कंटिन्यू रहेंगे, जो कानून बनाने, ये दोनों फीचर जो मैंने अभी आपको डिस्कस करवाए हैं, ये दोनों फीचर कब तक कंटिन्यू रहेंगे, ये कंटिन्यू रहेंगे ये दोनों फीचर, दीज टू फीचर्स वर कंटिन्यू टिल 26 नवंबर 1949, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट नहीं कर लिया जाता तब तक, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितना टाइम लगा था, 2 साल 11 महीने और 18 दिन का। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कब कौन सा टाइम, कितना टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। सो 2 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज, दिस वॉज द टाइम, ठीक है, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगा था। अब एक और चीज़ मैं बता दूँ जो आपके दिमाग में एक डाउट आता होगा कि गांधी जी और जिन्ना इतनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटी हैं अपने देश के, जो हैं गॉडफादर हैं, ठीक है, उनका नाम मैंने कहीं भी नहीं लिया। तो मैं बता दूं कि दो फेमस पर्सनालिटी थे जो कि मेंबर ही नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ना तो मोहम्मद अली जिन्ना थे, सॉरी जिन्ना नीचे हैं, ना मोहम्मद अली जिन्ना है और ना ही मोहनदास करमचंद गांधी जी थे किसके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गांधी जी थे ना, वो बहुत कम इनका इन्फ्लुएंस, मतलब इन्फ्लुएंस तो बहुत ज़्यादा रहता था लेकिन इनडायरेक्ट वे, मतलब ये जो है ना डायरेक्ट अपनी पोस्ट, कोई भी पोस्ट लेने की कोशिश कभी नहीं की है महात्मा गांधी, ये एक तरह से पीछे से, मतलब इनडायरेक्ट वे में इनका इन्फ्लुएंस रहता था। डायरेक्ट कभी भी पोस्ट लेने की कोशिश नहीं करते थे, नहीं तो प्रधान, जैसे महात्मा गांधी जी थे, अगर ये चाहते तो ये प्रधानमंत्री बन सकते थे, राष्ट्रपति भी बन सकते थे, बट इन्होंने कुछ भी लेने से मतलब मना कर दिया। ऑलराइट, ठीक है, आगे ये जो है इसका सेकंड पार्ट आएगा तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा, है ना, क्योंकि सारे फैक्ट एक ही वीडियो में ज़्यादा लंबा हो जाता, तो इसका दूसरा पार्ट ज़रूर देखिएगा। और तब तक के लिए आप सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और लोगों तक पहुंच सके और हमें थोड़ा सा मोटिवेशन और मिल सके कि हम और भी इंटरेस्टिंग और भी ज़्यादा अपने वीडियोज़ में मेहनत कर सकें, कंटेंट में और भी ज़्यादा मेहनत कर सकें। सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना।